आखिर जब सूर्यपुत्र कर्ण दिग्विजय यात्रा के दौरान द्वारका को जितने गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? क्या क्या भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच महायुद्ध हुआ था? तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण जैसा उत्कर्ष और साहस से भारा योद्धा द्वापर युग में कोई भी नहीं था, क्योंकि श्री कृष्णा स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। एपीएनई असीम शक्ति से वो किसी को भी पल भर में खत्म कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्णा की नगरी द्वारका पर आक्रमण किया था? आखिर क्यों कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया था? और जब कर्ण ने द्वारका पर आक्रमण किया, टेप भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? डोस्टन, एक बार जब कौरव वन में विहार करने गए थे, तब गंधर्वों ने उन पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध में गंधर्वों ने कौरवों को परास्त करके दुर्योधन को बंदी बना लिया था। गंधर्वों और उनके राजा चित्रसेन ने युद्ध में कई सारी मायाओं का प्रयोग किया था, जिसके कारण कौरव उनके सामने टिक नहीं पाए, और इस युद्ध में लाखों गंधर्वों ने एक साथ कर्ण पर आक्रमण किया और कर्ण के धनुष को तोड़ डाला, जिस वजह से कर्ण को युद्ध से पीछे हटना पड़ा। गंधर्व युद्ध के समय कर्ण के पास अपना दिव्य धनुष यानी विजय धनुष था ही नहीं, क्योंकि कर्ण ने कभी भी विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया। उसने तो केवल महाभारत के 17 दिन में ही अर्जुन के विरुद्ध उस विजय धनुष का उपयोग किया था, और इस युद्ध में अपने साधारण से धनुष के बलबूते पर कर्ण कोई भी दिव्यास्त्र नहीं चला पाए थे, इसीलिए युद्ध में कर्ण को पीछे हटना पड़ा। एबी कर्ण के सामने ही गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, लेकिन कहते हैं कि अर्जुन ने ही गंधर्वों से स्वयं दुर्योधन को बचाया, और इसी के चलते लॉक कर्ण की वीरता पर कई सारे सवाल उठाने लगे, जिसके बाद कर्ण ने अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए दिग्विजय यात्रा करने का विचार किया। ये दिग्विजय यात्रा कर्ण ने तब की थी जब स्वयं पांडवों को 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए भेज दिया था, और उस समय दुर्योधन ने धरती के सबसे मुश्किल यज्ञ यानी कि वैष्णव यज्ञ को किया था। उसी समय कर्ण ने दिग्विजय यात्रा शुरू की और वो अपनी विशाल सेना के साथ दिग्विजय के लिए निकल पाड़ा। पहले कर्ण ने पांचाल नरेश द्रुपद के राज्य पर आक्रमण किया, और अपने विशाल सेना के साथ कर्ण ने द्रुपद के राज्य को चारों ओर से घर लिया। जब द्रुपद को संदेश मिला कि कर्ण ने उसके राज्य पर आक्रमण किया है, तब द्रुपद अपनी सेना को लेकर युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। इसके बाद कर्ण और द्रुपद में एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कहते हैं कि इस युद्ध में कर्ण ने द्रुपद को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था, और इसके बाद द्रुपद का राज्य पांचाल हस्तिनापुर के अधीन हो गया। कर्ण ने द्रुपद को सोना चांदी और कर देने के लिए विवश कर दिया था। महाभारत काल में भगदत्त नामक एक प्रक्रामी राजा हुआ करता था, बीवो पराग ज्योतिषपुर का राजा था। वैसे तो भगदत्त बहुत ही बुजुर्ग योद्धा था, लेकिन फिर भी उसमें इतना प्रकराम था कि उनसे युद्ध करने का कोई भी नहीं सोचता था, क्योंकि उनसे युद्ध करना बिल्कुल नामुमकिन था। दरअसल भगदत्त के पिता का नाम नरकासुर था। उसके पास भगवान विष्णु का वैष्णवस्त्र था। उसने अपने पुत्र भगदत्त को ये अस्त्र दे दिया था। वैष्णवस्त्र को किसी भी अस्त्र से नहीं रोका जा सकता था, लेकिन कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान महाप्रकर्मी भगदत्त को भी परास्तिति कर दिया था। दिग्विजय यात्रा के समय कर्ण ने भगदत्त के राज्य पर बड़े ही कुशलता के साथ आक्रमण किया, और इसके बाद भगदत्त के साथ जब कर्ण का महायुद्ध हुआ, तो कर्ण उसमें भगदत्त को परास्त कर के एक वीर योद्धा कहलाया। इसके बाद कर्ण ने मगध और छेदी को भी जीत लिया था। इसी तरह कर्ण ने सारी दिशाओं में दिग्विजय यात्रा कर सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, यानी कि हस्तिनापुर के अधीन कर लिया था।